हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी गोइंग टू डेमोस्ट्रेट यानी एक केस जो सर्जरी हम करने जा रहे हैं, नोज सर्जरी की, ट्रॉमेटिक नोज, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद जो नोज जो है पूरा अनइक्वल हो गया, ब्लॉकेज भी हो गया। एंड जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं, बेसिकली इनका नोज देखो आप जो है एक्सीडेंट के बाद पूरा नोज ब्रॉड हो गया, नोज फैल गया, और ये नोज और दोनों नोज में क्या एसिमेट्री क्रिएट हो गई। नोज क्या है कि ये सेंटर नोज का है, बट नोज ये क्या है, वन साइड डेविएटेड हो गया। सो ये सारा जो नोज का जो विकृति है ये एक्सीडेंट के बाद हुआ है। आप देखो फेस के अंदर भी ये एसिमेट्रिक हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। एंड अगर इस दूसरे व्यू में देखो तो ये नोज क्या एसिमेट्रिकल हो गया, ये जो है नोस्ट्रिल और ये नोस्ट्रिल दोनों अनइक्वल है, ये हड्डी यहाँ पे आ गई है और ये जो पार्ट है ये इससे कंपेरेटिव हैवी हो गया बेसिकली। सो ये दो जो नोज है ये क्या है, ब्लॉकेज और जो लुकिंग में दोनों में बेसिकली प्रॉब्लम कर रहा है। सो इस पेशेंट का जो सर्जरी हम करेंगे बेसिकली इसमें एक सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी करेंगे। सो नोज को पहले जो ब्लॉकेज फ्री यानी नोज से क्या है दोनों तरफ से बराबर ब्रीदिंग होनी चाहिए, एंड दूसरा नोज को क्या हम स्ट्रेट करेंगे, एंड दूसरा ये जो नोज का जो नोस्ट्रिल दोनों तरफ अनइक्वल है उसको सिमेट्री क्रिएट करेंगे, जिससे जो है नोज क्या है लुकिंग में बेटर हो और हमारे को ब्रीदिंग भी इक्वल आए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कहीं नोज का ट्रॉमा होता है तो आपको उसी टाइम पे जो उसकी इंजरी जो रिपेयर कराते हैं वो हमें मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करके अच्छी जगह करानी चाहिए, जहाँ पे इस टाइप की सिमेट्री, बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो उस टाइम पे भी मैनेज की जा सकती थी, बट समहाउ क्या है नहीं हो पाया। सो फ्रेंड्स, लुक द नोज जो इस पेशेंट का है ट्रॉमा के कारण ये पूरा का पूरा नोज क्या है यूं डेविटेड हो गया। आइडियली दिस इज द मिड लाइन, ये नोज पूरा यूं जा रखा है, एंड नोज का आगे का सपोर्ट देखो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, नोज पूरा बैठ गया। आइडियली दिस नोज शुड बी लाइक दिस, एंड ये जो पार्ट है दोनों एसिमेट्रिकल है, नोज पूरा फैला हुआ है, नोज इतना ब्रॉड है, यहाँ पे डिप्रेशन है, यहाँ पे फिर ये नोज पूरा ब्रॉड है। सो बेसिकली ये डेविटेड नोज है और यहाँ पे क्या है कि पूरा इतना ये एक्सीडेंट के कारण, ट्रॉमा के कारण ये पूरा नोज यो शिफ्ट हो गया। सो इसमें सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से इस नोज को क्या है कि ये जो पार्ट है इसको यहाँ इसके पीछे करेंगे, जिससे दोनों तरफ इक्वल ब्रीदिंग हो। ये नोज जो नीचे बैठ गया है इसको ऊपर उठाएंगे, एंड ये जो ब्रॉड नोज है इसको हम नैरो करेंगे, एंड मिलते हैं सर्जरी के बाद में कैसा जो हम इसको ठीक करते हैं। थैंक यू।